तीन परिवार मकान कच्चा, एकमात्र पात्र होते हुए भी अब तक अपात्र। मामला महिवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत असदपुर का, जहां पीड़ित जयप्रकाश राठौर अपने पूरे परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रहे हैं। जयप्रकाश राठौर के दो कच्चे कमरे बने हुए हैं, जिनकी छतें लकड़ी व मिट्टी से फटे हैं। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता रहता है। पूरा परिवार छप्पर व टीन में अपना समय बिताता है। अभी हाल ही में उनके कच्चे मकान की दीवार व छत गिर चुकी है। पीड़ित जयप्रकाश ने बताया कि कई बार प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी को अपने कच्चे मकान के बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी तक मुझे सरकारी आवास नहीं मिला और हमें सरकारी आवास से वंचित रखा गया। जयप्रकाश राठौर की पुत्रवधु राधा एवं बबली ने कहा कि कई बार पंचायत सेक्रेटरी, प्रधान व वीडियो को इस मकान के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बरसात के दिनों में जब कच्ची छत से पानी टपकता है तो हम लोग पूरे परिवार के साथ मकान गिरने के डर से खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं। देखना होगा कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा लगातार गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सही मायने में पात्र लोगों को आवास नहीं मिल रहा। सरकार की योजनाओं का सही स्तर पर उपयोग नहीं किया जा रहा। पूरे प्रकरण की जाँच कर उचित कार्यवाही भी नहीं की जा रही। आखिर कब तक होगा इन गरीबों की समस्या का समाधान? जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह। कहाँ रहती हैं आप? क्या समस्या है आपकी? यहीं रहती हैं आप? कहाँ गिर रहा है? दिखाएंगे जरा? तो ये जो आपका मकान गिर रहा है, जहाँ आप रह रही हैं, आपने इसके बारे में अभी तक किसी को सूचना दी है क्या? तो प्रधान ने क्या कहा? आवास में कभी नाम गया आपका? नहीं गया। कितने लोग रहते हैं इस घर में? और कौन है? और ये कौन है? क्या नाम है आपका? आप भी यहीं रहते हैं? तो ये जो मकान इतना छोटा है और ये कच्चे सारे कमरे हैं, तो ऐसे किसने, ऐसे कैसे गुजारा होता है? यहाँ बारिश जब होती है तो कैसे रहते हैं आप? और ये जो है, ये टपकता नहीं है ऊपर, जो ये कच्चा जो दिख रहा है, ये महेवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत असदपुर के रहने वाले हैं ये लोग, और अभी तक इनको पात्र होने के बावजूद भी आवास नहीं दिया गया है। इनका कहना है कि सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है इस समस्या से, लेकिन हमारी समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। और इसी कच्चे मकान में ये लोग सपरिवार रहते हैं, जो कभी भी गिर सकता है, और एक बहुत बड़े हादसे को दावत देता हुआ ये ग्राम पंचायत असदपुर का कच्चा मकान। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश है। कौन सा गाँव है ये? और ये गांव कौन सा है? कहाँ के रहने वाले हैं? असदपुर के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या जब पूरा मकान कच्चा है और धनिया से पटा हुआ है, भीतर का मकान गिर गया है, बाहर का भी गिर सकता है, चुभत गया है। तो सरकार द्वारा इतने आवास दिए जा रहे हैं गांव में, आपको आवास नहीं मिला? आवास नहीं मिला था। कभी आवास की सूची में नाम नहीं आया? सूचना नाम कहाँ पर धन पहले से रुपये ले लेते हैं, उनको देते हैं, तीन तीन एक एक आदमी को तीन चीज दे चुके, लेकिन हमारा नंबर नहीं आ रहा है। अब कभी भी ये मकान गिर सकता है, पूरा परिवार रह रहा है यहाँ में, चार बहुएं हैं, चार लड़का है, तीन चार पाँच छः नाती है, अब बड़ी भारी समस्या है। लगातार घंटों बारिश होती है, तो ऐसे स्थिति में जब बिजली चमकती है और ये कच्चे मकानों के गिरने की खबरें इधर उधर से आती, तब कैसा महसूस करते हैं आप? क्या लगता है? झूठा करता है, वीडियो वीडियो सबको दिखा चुके, कोई सुनता नहीं, क्या करें? तो ये महेवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत असदपुर का मामला, जहाँ एक परिवार पात्र होने के बावजूद भी अभी भी अपात्र की श्रेणी में बना हुआ है, और पात्रता के बावजूद भी इनको आवास नहीं दिया गया है।